तो आज किसी का बर्थडे है, और किसका है? आज है जरदीप का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे जरदीप, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस ब्लॉग को अगर देख रहे होगे तो आई होप कि देख रहे होगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो टाइम रहता नहीं है ब्लॉग देखने के लिए। सो कभी कभी देख भी लिया करो, क्या पता उसमें तुम्हारे लिए कुछ मेरे तरफ से कह दूँ। गर्दा ही मच गया भाई साहब, पानी गिरा था, गर्दा ही मच गया, लोगों के तो चिचड़े उड़ गए, पसीने से हालत ख़राब हो रही थी, बारिश हुई तो मज़ा ही आ गया आ रहा था। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है ना, बहुत ही अच्छा और शानदार हो जाता है। सूली पे चढ़ा दोगे मगर मैं झुकेगा नहीं शाला, क्योंकि अपन का नाम पुष्पा, नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है, मैं झुकेगा नहीं रे शाला। इट्स फन वे में करता हूँ, कोई किसी को सीरियसली मैं गाली गलौज बिल्कुल नहीं, और ऐसा आप लोग भी मत कीजिए। आज के मौसम की तो बात ही कुछ अलग है ना, क्यों क्यों मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, बहकी बहकी सी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ना जस्ट थोड़ा सा ही सूर्य तो 8:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक मस्त ठंडा है, क्योंकि कल इतना ज़्यादा गर्मी लगा, कल हवा भी आया जो कि आप पिछले ब्लॉग में देखे होंगे। उम्मीद था कि बारिश होगा, आज भी उम्मीद था सुबह टाइम कि बारिश होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो पता नहीं यार कब बारिश होगी, बारिश को लेकर मैं बहुत ज़्यादा चिंतित इसलिए हूँ क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, तो बारिश कहीं ना कहीं हो जाए तो थोड़ी सी राहत मिल जाती हम सभी को, इंसानों को, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधों, सभी को वो राहत मिल जाती। तो आई होप कि जल्दी से जल्दी थोड़ी सी राहत मिल जाए और भगवान खुश हो के बारिश करा दें। सो प्राकृतिक को सब पता है कि किस टाइम पे कैसे और क्या करना है, बस हमें इंसानों को ही नहीं पता कि कब किसकी कटाई करनी है और किसकी नहीं करनी है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ, एग्जैक्टली मेरा पॉइंट क्या है। सो बात इस स्टेज की यहीं पे रुकते हैं और एक नए स्टेज पे आते हैं। तो आज किसी का बर्थडे है, और किसका है? आज है जरदीप का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे जरदीप, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस ब्लॉग को अगर देख रहे होगे तो आई होप कि देख रहे होगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो टाइम रहता नहीं है ब्लॉग देखने के लिए। सो कभी कभी देख भी लिया करो, क्या पता उसमें तुम्हारे लिए कुछ मेरे तरफ से कह दूँ। कल तो साथ में थे, रोशन भी था और विनीत भी था, हम चार लोग गए थे कल उदारी। सो कुछ टाइम स्पेंड किया तो अच्छा लगा, लेकिन अगर दोस्तों के साथ अगर मिलाव अच्छा हो, अगर टाइम स्पेंड करने में मज़ा आ रहा हो, कहा था कि मानो 5 मिनट ही हुए हैं। सो ऐसा तब लगता है जब कोई दोस्त आपस में एक दूसरे की बातों से कनेक्ट करता है, और जब उनके पास बात करने के लिए कोई शब्द होता है, नहीं तो यार फ़ोन पे कभी होता है हाँ हेलो क्या कर रहे हो, कुछ नहीं ऐसे वैसे, इसके बाद रुक जाते हैं, शब्दों की कमी की वजह से बात आगे नहीं कनेक्ट हो पाता है। और जब आमने सामने रहते हैं, जब दिल की बात खुलता है, तो टाइम का तो पता ही नहीं चलता है। मैं रोशन को बोला कि कभी 10-15-20 साल के लिए टाइम लेके आओ अपने पास, तो कुछ लगे कि हाँ टाइम है। सो क्या कर सकते हैं, सभी आजकल इतने बिजी हो गए हैं। आप लोगों के दोस्त यार के सर्कल में भी आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल लोग ना बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, अपने आप को भूल चुके हैं, अपने आप से बातें करना भूल चुके हैं, अपने दोस्तों से मिलना और जुलना भूल चुके हैं। सो ट्राई कीजिए कि उनसे बात कीजिए, कुछ टाइम बिताइए। मोबाइल फ़ोन पे तो सभी हाय हेलो करते रहते हैं, मोबाइल फ़ोन की एक अलग बात है। जब मोबाइल फ़ोन नहीं था ना, तब की दुनिया एक अलग दुनिया थी। जब हम लोग बचपन में जब छोटे थे ना, तब की दुनिया एक अलग दुनिया थी, और अभी की एक अलग दुनिया है। आजकल सोशल मीडिया की दुनिया है और पहले इंसानों की दुनिया थी। सो जरदीप को मेरे तरफ से तहे दिल से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उसको तो बहुत सारे विशेष आ चुके होंगे, मैं उसको मैसेज, टेक्स, फ़ोन, कुछ कॉल वॉल कुछ नहीं किया हूँ, वीडियो के माध्यम से उसको मैं विश कर रहा हूँ। मेरा बर्थडे तो सभी लोग भूल जाते हैं, खैर कोई बाद नहीं, ऐसा है ही कि भूल जाते हैं, सो बाद में याद आता है, तो कोई बात नहीं। हाथ भी दर्द कर रहा है, तो बर्थडे भी इतना ही करता हूँ, क्योंकि आगे और भी कुछ काम करने हैं। सो नेक्स्ट स्टेज पे आपसे, नेक्स्ट लेवल पे आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक बने रहिएगा, क्योंकि हाथ भी दर्द कर रहा है। सो लेट्स नेक्स्ट स्टेज, सो नेक्स्ट स्टेज टू लेवल अप नाउ। ओके, इस गाय और बछड़ी को देख के, इसकी ममता और स्नेह भरी प्यार को देख के आप क्या समझते हैं? यही कि माँ का प्यार निस्संदेह निस्वार्थ होता है, और निस्संदेह और निस्वार्थता के साथ आज इंद्र देवता मेरी बातों से खुश हुए और जल वर्षा करा दिए। सो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, एकदम जस्ट जैसे ही नहाने गया था मैं, उसी समय मुलाकात हुई बारिश के साथ, और हल्की हल्की मध्यम मध्यम बारिश हुई, भीग के नहाया, ठंडा लगने लगा, और होप ही कर रहा था कि रात को बारिश हो तो मज़ा आए।
गर्दा ही मच गया भाई साहब, पानी गिरा था गर्दा ही मच गया, लोगों के तो चिथड़े उड़ गए, पसीने से हालत ख़राब हो रही थी, बारिश हुई तो मज़ा ही आ गया, गर्मी से कुछ देर के लिए राहत मिली है सो अच्छा लग रहा है। और अभी नहा के आया हूँ भाई, मज़ा ही आ गया, भीगते भीगते नहाया, साथ में पानी भी भर रहा था नल से और साथ बारिश के भी पानी से नहा रहा था, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है ना बहुत ही अच्छा और शानदार हो जाता है। सो मज़ा आया नहाने में। आप लोग भी कभी भीग के देखिए, अगर गर्मी का मौसम हो खासकर तब भीगिए और नल के पानी से नहाइए, मतलब नहा भी रहे हैं और साथ में भीग भी रहे हो ना, बेखौफ बिना किसी डर के बिना किसी झिझक के, तो मज़ा ही आ जाता है। तो मेरे को बहुत मज़ा आया और मज़ा के साथ आज हरदीप का जन्मदिन है तो उसको बर्थडे विश सबसे पहले किया हूँ, फर्स्ट स्टार्टिंग ब्लॉग के वीडियो सीन पे। सो बोला उसको मैं कि कितने लोगों ने तुमको बर्थडे विश किया, तो हरदीप बोल रहा था कहाँ कोई किया है, मैं बोला कोई तो किए होंगे, ऐसा बात नहीं है क्योंकि तुम्हारे चाहने वाले बहुत हैं, अपने हैं मगर उनको था ही पता नहीं चलता कि कब अपना जन्मदिन होता है कब नहीं। वैसे मैं बता दूँ अपना जन्मदिन 3 मार्च को है, तो याद करके अगले साल नेक्स्ट ईयर बर्थडे विश कर दीजिएगा अगर दिल से इच्छा हो तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि जोर ज़बरदस्ती का काम बिल्कुल अच्छा नहीं होता और हमको किसी से ज़बरदस्ती का काम कराना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो है वैसे तो आज 2 जून है, तो 2 जून का वीडियो 3 जून को आएगा, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6, 6 का 7, 7 का 8। सो आप लोग कॉमेंट करके बताइए हरदीप को बर्थडे विश कर दीजिए उसी का, जैसा कि आप लोगों ने पहले ब्लॉग में देखा होगा किराना दुकान जिसका हम लोग सामान लेने गए थे, बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, सो उसका जन्मदिन है तो उसको फिर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिर आगे मिलते हैं, नेक्स्ट लेवल की बातें करते हैं। सो अभी तक के लिए तो 5G इंटरनेट एंजॉय करते हैं। सूली पे चढ़ा दोगे मगर मैं झुकेगा नहीं शाला, क्योंकि अपन का नाम पुष्पा, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझी के फायर है, मैं झुकेगा नहीं रे शाला। क्या हुआ वाद है फ्रेंड्स, कहाँ हुई से तोला रे रे नोनी बाबू, ए मुडू टुंडू कहाँ हुई से रे तोला रे, कुछ बोलस काबर नहीं रे, सदमा में पहुंच गई है कारे टूरा है टूरा, कोक खाने बोले रे सूट के उठे तो चाचा से पूछा होगा जितना है कि चाचा से पूछा होगा, बुड़ बुड़ ने किया हो ना बुड़ बुड़ कर लेना ना, नहीं नहीं से बने क्या हुआ, चलो एंजॉय करो जो मैं मजा नहीं तो चल रहा है हवा चल रहा है और हवा चल रहा है और जैसे कि साउंड में थोड़ी सी खरखराहट आ रही है तो माफ़ी चाहते हैं जनाब। अभी जस्ट मैं इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल ही कर रहा था, जैसे कि नौजवान युवा आजकल ऐसे ही कर रहे हैं, कहाँ अच्छा लगा तो लाइक ठोकते हैं और दिल करे तो कमेंट करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है ना, आप कहाँ से हो, अपना ये लिखो अपना वो लिखो, लड़कियाँ इस पर कमेंट करें रिप्लाई करें कि फलाना ढिमका, कोई कुछ नहीं करने वाला, मैं 10 लोगों को रिप्लाई ठोक देता हूँ बट इट्स फन वे में करता हूँ, कोई किसी को सीरियसली मैं गाली गलौज बिल्कुल नहीं, और ऐसा आप लोग भी मत कीजिए। सोशल मीडिया पे आप हैं तो दूसरों के साथ अपना बात शेयर कीजिए, थॉट्स शेयर कीजिए, प्यार वाली बातें शेयर कीजिए, मतलब किसी को यार खुश कर दीजिए, फन मोमेंट होना चाहिए, ना कि किसी को रुला देने वाली बातें। और जैसे कि मैं देखा कोई ब्रांड शूट की रहे, कोई एक्टर वो अपना शूट कर रहे थे, तो मैं देखा फोटो वोटो शूट वोटो वगैरह ब्रांड्स कपड़े क्लॉथ वगैरह सब चीज़, तो देख यार ना कभी कभी तो जलन होता है लड़कों, इसको मैं यहीं पर रोकता हूँ एक चीज़ और बोलूँ, क्या आप लोग लड़कियों से जलते हैं सोशल मीडिया पे या फिर ऐसे ही तो ऐसे उनकी, मैं तो लड़कियों से बिल्कुल नहीं जलता, मैं लड़कों से जलता हूँ, लेकिन जलना उसको नहीं कहता यार, उसको मैं देख के थोड़ा सा लगता है यार दिल में चुभता है कि यार अपने पास भी नहीं है, अपने पास नहीं है मतलब नहीं है यार, जो है सो है, सो अपने पास एक टी सेट है और एक गमछा में हूँ, अपना लोअर घर में है सो पहनेंगे, और कपड़ा सोच रहा हूँ ऑर्डर करने के लिए अपना एक छोटी टी शर्ट फटी है, लोअर भी फट गया है, सोच रहा था सो देखा यार उनका आउटफिट लुक एकदम गजब का आता है, और मैं देखता हूँ यार अपने आप को ना कि क्या यार, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए आप जैसे हैं ना हटके हैं बिल्कुल अलग और यूनिक हैं, वही आपको सबसे अलग बनाता है, नहीं तो अगर आप दूसरों की जैसे अगर दिखने लगे तो आप अलग कहाँ रहेंगे, भीड़ में शामिल हो जाएंगे। सो मैं अलग हूँ और आप भी बिल्कुल अलग हैं, दुनिया के हर एक इंसान से आप अलग हैं और मैं भी एक अलग इंसान हूँ, सो ये थॉट्स लेकर चलिए और खुश रहिए, क्योंकि नेगेटिव वे में ले के जाएंगे तो अपना ही नुकसान अपना ही घाटा, इसमें किसी का कुछ नहीं जाता। सो नेक्स्ट लेवल की बातें ये रही,
और जब दिल में आता है, जब आएगा तो बोल दूंगा, अभी के लिए तो फिलहाल यही है। सो देखते हैं नेक्स्ट लेवल पे क्या आता है, कि आज के लेवल यह पे समाप्त हो जाता है। बने रहिएगा, लेवल अप तो होते ही रहता है, क्योंकि ज़िंदगी अगर लेवल अप नहीं हो रहा है तो समझिए वहाँ से डाउन हो जाता है, यानी कि आपकी मृत्यु हो जाती है। सो मृत्यु यानी मरण दिवस। सो नहीं, ऐसा नहीं होने देना है, जब तक जिंदा रहना है फन वे में और कुछ इंटरेस्टिंग फन वे करते रहना है। सो बने रहिए, आगे मिलता है कुछ ही देर में। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट लेवल अप। ओके सो यार, आज तो बर्थडे विश करते करते पूरा का पूरा समय बीत गया और बारिश हुआ, बारिश के साथ खेले कूदे, ऐश मौज किए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यार। कभी कभी ब्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, कभी कभी सच बोलूँ तो मज़ा बिल्कुल नहीं आता। तो आप लोग भी कमेंट कीजिए अगर आप लोगों को मज़ा आया होगा तो, और नहीं आया तो कमेंट कीजिए यार किस पॉइंट पे मज़ा नहीं आया, उसको बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की कोशिश करता रहूँगा ठीक है ना। सो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग पे, आज के लिए बस इतना ही। इतना देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, अलविदा, टेक केयर, धन्यवाद।